पहले दलाली फिर पुलिस को गाली और अब फर्जी रैंक दिखाकर अभिभावकों की जेब करा रहे हैं खाली। जी हाँ, ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट दूसरी कोचिंग के टॉपर छात्र को अपने कोचिंग का टॉपर दिखाकर अभिभावकों को गुमराह कर धोखाधड़ी के माध्यम से उनकी जेब खाली कराने से बाज नहीं आ रहा है। हमारी मुहिम ऑपरेशन अंधेरा के तहत ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट के फर्जी रैंक के मकड़ जाल का खुलासा काका देव के हिस्से छक्किल के सचान ने किया है। फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है जिसमें आपने ओमेगा कोचिंग सेंटर को फ्रॉड लिखा है, क्या है पूरा मामला? वो लड़का दानिश खान जी, वो हमारी कोचिंग पढ़ता है, ठीक है, और पूरी साल पढ़ा, उसने कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, न बायोलॉजी कहीं पढ़ी, न केमिस्ट्री, मैंने सारा ग्रेड किया। मैंने देखा कि इन्होंने फेसबुक पर भी डाला है, अपना छपवा रखा है, प्रचार भी किया, फिर बाद में पता लगा फॉरम भी निकलवा दिया पूरा यूपी उत्तरांचल उधर सॉरी गोरखपुर तरफ, वहां से फोन आया कि लड़का, तो उन्होंने छाप रखा। तो मैंने फिर इस कंटेस्ट में लिखा था फेसबुक पे, ये फर्जी रैंकों का धंधा तो बंद हो कम से कम। तो क्या लगता है इसके अलावा भी कुछ रैंक्स जो इन्होंने छापी है, क्योंकि इन्होंने 250 से ऊपर सिलेक्शन ओमेगा ने दिखाई है इस बार? जी, टोटल फर्जी है। ये टोटल रैंक्स फर्जी हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं 9 साल से मैं जानता हूँ काका जब लोग क्या कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं ये फर्जी रैंक का कारोबार, इस पर अगर आप अपनी राय कुछ देना चाहें? जैसे बच्चे इनके यहाँ नहीं पढ़ा है तो एक तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे को लालच दे दिए, बच्चों में इतनी समझ नहीं कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, उसके चक्कर में समाज गुमराह हो जाएगा। क्या दानिश खान के साथ भी ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया गया इनके द्वारा? दानिश खान के पास कई फोन आए थे, कई कोचिंगों के फोन आए थे, लेकिन वो लड़का ऐसा था नहीं। क्या ऑफर करते हैं ये? तो जो भी करते हमें ज्यादा पता नहीं, हमने तो कभी किया नहीं, हम तो बच्चे कुछ नहीं देते, हम तो कहते हमने मेहनत करी, सेलेक्ट हुए, उसमें लालच का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, क्या संदेश जाता है इस प्रकार के फर्जी रैंक के यदि कोई कोचिंग संस्थान छापता है, और इसे कई अखबार भी छापते हैं जो संबंधित जो ऐड देगा उसके उसको चाहे फर्जी छापे ना असली छापे, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे मेरी रैंक है टॉप रैंक है कानपुर की, किसी अखबार में नहीं लिखा है, क्यों? हमने ऐड नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, बिजनेस है, टोटल बिजनेस है। और फर्जी रैंक का कारोबार तो हम 10 साल से देख रहे हैं, सब टोटल फर्जी हुआ है। हमारा बच्चा कई बार पिछली बार भी ऐसा हुआ है, नाम ले लूंगा बच्चे का नाम ही होगा जी, मेरे यहाँ से बच्चे नीट में टॉप किए, ठीक, जैसे रिजल्ट आया उसने मुझसे बात करी, मैंने उसको बुलाया आइए मेरे पास, और आधे घंटे बाद फोन उठाना बंद कर दिया उसने। मैं कंटिन्यूस फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो पूछने के लिए, पता चला किसी कोचिंग ने उसको ऑफर दे दिया, वो कोचिंग बच्चा बैठा। इस बार यही हुआ था, 3 बच्चे थे, उनके नंबर से उसे बुक करते, किसी कोचिंग ने उसको कैप्चर कर लिया और बांध लिया एक तरीके से। कल बच्चे से मेरी बात हुई कि उस दिन सर मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन कोचिंग लोगों ने इतना घेर के दबाव बनाया कि वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे। फिर उसने बताया कि जेड स्क्वायर ले खरीदारी करने गए, गाड़ियां गई यहां से गोरखपुर, लड़का बाहर का था, जैसे रिजल्ट निकला पढ़ता नहीं था, लेकिन गाड़ियां इनकी पहुंच गई गोरखपुर, उठा के लिख ले गए। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में क्या मनोबल पे क्या असर पड़ता है जब ऐसा कोई कारोबार होता है? असर पड़ता है, वो मैंने फ्रस्ट्रेशन में लिखा था फेसबुक में कि मैं साल भर रिजल्ट के लिए मेहनत करता हूँ, अब मेरी मेहनत का फल कोई दूसरा लेके चला जाए, आप समझिए, आप खुद ही सोचिए कि आप पर क्या फर्क पड़ेगा, आपकी कमाई पूंजी को लूट ले जाए, अमानत में कहना दे दो और क्या। अच्छा, अब जो शिक्षक है वो काका देव में एक व्यवसायिक गुरु बन गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से जोड़कर देख रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको शिक्षक नहीं मानता, धूर्त है। अगर प्रतिस्पर्धा रखिए तो पढ़ाने की रखिए, रिजल्ट देने की प्रतिस्पर्धा रखिए, ना कि दूसरा कर रहा हो उसको छीनने के लिए। आप साल भर मेहनत से पढ़ाई, वो आप करते नहीं। काका देव का सिस्टम क्या बन चुका है कि बच्चा आए उसको लॉलीपॉप दो, उसको खुश रखो, मजे करे, तालियां बजाओ, जोक सुनाओ, बल्गर बातें करो, डुअल मीनिंग की बातें करो। अच्छा, बच्चों को दलाल बनाना किस हद तक ठीक है? ये सब कुछ नहीं, मेन कुछ आप जिसकी बात करें उनका काम ही क्या है, बच्चों को दलाल बनाना। उनका मेरे पास एडमिशन लेकर के आपको 5,000 रुपये मिलेगा, 300-400 दलाल तो परमानेंट बना ही रखा है इन लोगों ने, टीचर्स को ब्रोकरेज देते जाकर के, और दूसरी सबसे बड़ी बात है बच्चों को दलाल बना रखा है। अच्छा, इस विषय में जब ओमेगा के मालिक के गुप्ता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला दलाली लीगल है। हमें नहीं लगता रोड साइड पर किसी आदमी को छेड़ना पूछना का, दलाली लीगल है ठीक है मानता हूं, लेकिन आप क्यों करा रहे हो, किस बेसिस पर लीगल है?
एक दलाल बाहर खड़े होकर ये बोलेगा वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आया, गलत बोलकर एडमिशन करा दे, कहाँ से ली गई। अच्छा, इसकी कोई रसीद देते हैं क्या? किसकी? जो अमाउंट ये पे करते हैं दलाली के रूप में, इसकी कोई रसीद देते हैं दलाली के? मुझे नहीं पता, जो मैंने दलाली जो कभी करी नहीं। अच्छा, जो बच्चा दानिश खान है, हाँ, उसकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, क्या सोच रखता है वो? बच्चे बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, उसने ये बताया था कि सबसे पहले बात ये कि उसका एक ही मोटिव था कि जो लोग तैयारी करने जाए तो किसी के बहकावे में ना फंसे, अपना सोच समझ के एडमिशन ले। दलाल मतलब उसका कहने का मतलब है दलालों से कॉन्टेक्ट ना करे और घटिया कोचिंग से कॉन्टेक्ट ना करे, पता करे क्या सही है क्या गलत। अच्छा, आज के समय में जैसे पिछली बार भी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके अच्छे सिलेक्शन हुए लेकिन कुछ और कोचिंग ने ऑफर देकर वो सिलेक्शन आपसे छीन लिए, हाँ, और इस बार भी ऐसा प्रयास किया गया, तो क्या इसको लेकर आप कोई कागजी कार्रवाई या कोई लिखित कार्रवाई की ओर भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो? हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। मुझे पढ़ाने आया था, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी बिजली विभाग से लड़ा, कभी शिक्षा विभाग से लड़ा, अल्टीमेटली मैं लड़ाई आपके साथ लड़ू, अभी आप जाकर बिक जाओ तो मेरा क्या होगा? तो यही मेरे साथ भी हुआ, हमने जो भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करी वो लड़ाई एक मोमेंट पे स्टॉप हो गई, क्योंकि हम अगर कागजी कार्रवाई करेंगे तो क्या करेंगे, थाने जाएंगे, थाने पुलिस वाला बैठा है वो पैसा लेकर के उधर कन्वर्ट कर देंगे, कोर्ट जाएंगे कितने साल में डिसीजन आएगा हमारा, हर प्रकार की लड़ाई चल रहा है। तो लड़ाई लड़ेगा उसका कोई मतलब निकले कि उसका कोई हल निकलेगा, सामाजिक हल निकलेगा तो लड़ा जाए, मैं तो लड़ के बर्बाद भी हूँ। ये तो कैसे इन चीजों को, ये फर्जी सिलेक्शन दिखाना कैसे रोका जा सकता है इस पूरी प्रक्रिया को? अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग गहन छानबीन करिए, आपको काका दे में 80% फर्जी मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है ओमेगा ने जो इस वर्ष 250 से ऊपर सिलेक्शन दिखाए हैं, इनमें से कितने सिलेक्शन इनके स्वयं के हैं? 250 सिलेक्शन दिखा दे पूरी जिंदगी के। सर, जो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, बैनर होर्डिंग के जरिए जो फर्जी सिलेक्शन जिन्हें आप कह रहे हैं दिखा रहे हैं, इससे समाज में और जो बच्चे नई पीढ़ी के आ रहे हैं उनके अभिभावकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका पूरे भविष्य फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कोई बच्चा, मैंने दिखाया कि इस कोचिंग में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये किसी ने दिखाया और उन्होंने गलत दिखा दिया, तो बच्चा तो ये देखता है कि नहीं, ये मेरा आइडियल है, मुझे इस गोल पे जाना है, तो उस रास्ते पे वो भी चलना चाहता है जिस रास्ते पे सक्सेसफुल स्टूडेंट चला है, और वो पहुंच जाता है इस चक्कर में गलत कोचिंग में, तो उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद होता है, तो उससे पूरा का पूरा समाज ही डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि जो जैसे हम मान लो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चे ने टॉप कर दिया तो वो तो उसका अनुसरण करेगा कि यार मैं भी टॉप करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उस बच्चे ने अगर बोल दिया कि या उस बच्चे गलत कोचिंग में छाप लिया तो उसके पीछे न जाने कितने अच्छे बच्चे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अपना पूरा का पूरा करियर बर्बाद कर लेंगे और इसका समाज पर बुरा फर्क पड़ेगा। नहीं तो बच्चे और उनके अभिभावक जो हैं वो कैसे निर्णय लें कि कौन सही संस्थान है, कौन गलत रिजल्ट दिखा के अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और कौन वाकई में पढ़ा रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कैसे इसका निर्णय करेंगे अभिभावक? अब ये तो अभिभावक के ऊपर है कि वो कितनी कोशिश करते हैं, जैसे जा रहा है तो पता करे सच क्या है, ऐसा नहीं इस सच्चाई के लिए वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी मैं जब देख रहा हूँ शहर में चारों तरफ बड़ा मुश्किल, कई लोगों के बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं और सिलेक्शन के नाम पे वो 250-300 बच्चों का सिलेक्शन दिखा रहे हैं, जबकि आप दावा कर रहे हैं मुश्किल बढ़ता है, लेकिन तब भी अच्छे लोग अपना सही रास्ता ढूंढ लेते हैं, अभिभावक की कंटिन्यूटी होती है, और मैं बताऊँ तो दिखता है एक्चुअली, ऐसा नहीं किसी ने छाप दिया तो पता नहीं चलता है कि सच क्या गलत क्या है, अगर अभिभावक चाहेगा तो दिखेगा उसको कि नहीं इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। हाँ, तो लोग कोशिश नहीं करना चाहते ना, लोग भी ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, तो ग्लैमर के पीछे भागते हुए नुकसान भी होता है थोड़ा सा।